हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ब्लाउज में साइड से फिटिंग करना इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये देखिए, ये हमारा ब्लाउज है, इसकी हमने सिलाई कर रखी है और अब इसको जो है साइड से हमें फिटिंग कर। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने अंडरग्राउंड हमारा ये सिलाई चाहिए तो ये सीधे साइड से हमने दो पॉइंट पकड़कर इसकी सिलाई हमने मार रखा है। अब इसे हम पलट देंगे ऐसे। तो ये देखिए, ये हमने ब्लाउज को उल्टा कर दिया है क्योंकि उल्टा करने के बाद ही इस पे जो है फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो ये हमारा कजा पट्टी है जिधर हुक लगेगा। पहले हम इस साइड का फिटिंग करते हैं। तो सीने का नाप हमारा 36 है तो उसका एक भाग हुआ यानी चौथाई हुआ 9। तो यहाँ हम कजा पट्टी के एकदम पूरा सामने से ऐसे लेंगे और 9 पर इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। 9 इंच पर ऐसे निशान लगा देंगे। और कमर हमारा 30 है तो 30 का एक भाग हो गया 7.5। तो ऐसे 7.5 पे निशान लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कपड़ा पलटा है। ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि जब हम ब्लाउज को फोल्ड करते हैं यानी पलटते हैं उल्टे साइड, तो इसका जो सिलन वाला भाग है ये दोनों बराबर होना चाहिए, कोई आगे या पीछे ना हो। अब इसके बाद हमें मुहरी का नाप लगा लेना है। तो मुहरी हमारा 11 है तो यहाँ पर 5.5 इंच लगाएंगे। अब इस निशान को एक दूसरे में मिला लेंगे। ऐसे एक साइड का फिटिंग हो गया। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड पे निशान लगाना है। तो इस साइड फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बटन पट्टी है तो ये इसको बढ़ाव पट्टी कहते हैं। ये 1 इंच हमारा नाप से बढ़ाव पट्टी है जो कजा पट्टी के अंदर जाता है। तो इसे छोड़ते हुए जो सिलाई वाला भाग है यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ मुद्दे के नीचे ऐसे लेंगे। ऐसे ये देखिए, यहाँ 9 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर नीचे भी कमर को ऐसे छोड़ते हुए यहाँ 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और इसी तरीके से हम मुहरी पर भी निशान लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी साइड फिटिंग का ड्राफ्टिंग कर लिया है। अब इस पर हमें सिलाई लगानी है। तो एक सिलाई इसके ऊपर से लगाएंगे फ्रेंड्स और एक सिलाई जो है इससे 1/2 इंच हट के अंदर जो लगा दे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिलाई लगा रखा है इसकी साइड की फिटिंग। इस तरह से अगर आप फिटिंग करते हैं तो आपका कभी भी ब्लाउज कम या ज्यादा नहीं होगा। ये परफेक्ट तरीके से आपके मेजर के हिसाब से बैठ जाएगा आपकी बॉडी पर। इसी तरीके से सारे ब्लाउज का फिटिंग होता है फ्रेंड्स, चाहे वो अस्तर वाला हो, चाहे वो लहंगा ब्लाउज हो, चाहे ये पीस वाला ब्लाउज हो, चाहे बॉर्डर वाला ब्लाउज हो। इसी तरीके से आप फिटिंग आसान तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी साइड की फिटिंग कितना फिनिशिंग के साथ बनके तैयार हो गया है। अगर आप भी इसी तरीके से आप फिटिंग करेंगे तो आपका बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज की फिटिंग हो जाएगी। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।